इस समय मौजूद है विकास खंड कालसी में और आप देख रहे हैं यहाँ जो है कम से कम पंद्रह से बीस महिलाएं हैं जिनके एक स्वयं सहायता समूह है, है यहाँ पर और ये आजीविका मिशन से है जिसके तहत यहाँ पर महिलाएं स्वयं रोजगार कर रही है और विभिन्न प्रकार के आचार बना रही है और साथ में अपनी आजीविका को और सुदृढ़ करते हुए रोजगार पा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जौनसार बाबर में उगाई जाने वाली जो जैविक खेती से ताजी हरी मिर्च जो है उनका आचार तैयार किया जा रहा है और इस आचार की जो डिमांड इस समय अभी हमें जो बताया गया है जो महिला समूह की अध्यक्ष उन्होंने बताया है कि इस आचार की डिमांड जो है ऋषिकेश और अन्य प्रदेशों में भी है और आप देख सकते हैं कि इस तरह जो है इस केंद्र में लगभग 300 कुछ महिलाएं जुड़ी है जिसमें से लगातार जो है 20 से 15 20 महिलाएं जो है लगातार अपने रोजगार पा रही है अच्छा नुँँ. आप के साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है हमारा जो ये क्लस्टर है स्वाभिमान बंधन केंद्र इसमें 304 महिलाएं जुड़ी हुई है जो जनजाति की है जो खाली जनजाति के लिए बना हुआ है ये क्लस्टर तो ये जनजाति की महिलाएं जुड़ी हुई इसमें तीन सौ चार कितनी महिलाए बताइए आपने तीन सौ चार महिलाएं वर्तमान में जो आपके साथ अभी काम कर रही है वो लगभग कितनी महिलाएँ काम कर रही है दस से पंद्रह महिलाएँ काम कर रही है अच्छा, आप क्या क्या यहाँ पे जो सामान को पैकिंग करते हैं क्या बनाते है, क्या हैं क्या समोस हम बनाते हैं कई प्रकार का अचार बनाते हैं जैसे कटहल का हुआ नींबू का हुआ आम का हुआ मिर्चों का हुआ और और भी बहुत सारे बनते हैं सीजनेबल जो अचार होता है मतलब आता है हमारे यहाँ तो बनाते हैं जूस बनाते हैं जैसे बुरास का हुआ और माल्टा का हुआ पुदीने का हुआ आंवले का हुआ शुगर फ्री वगैरह कहाँ कहाँ बिक्री करते हैं इसकी हमारी हरी स्टॉलों पर भी जाती है हमने दिल्ली तक आदि महोत्सव में भी हमने प्रतिभाग करा था दिल्ली में तो वहाँ पे भी क्या था हमारा प्रोडक्ट और स्टॉलों में भी जाता है ट्राईफेड को भी जाता है बहुत सारी जगह जा लोकल भी जाता है ये हरी मिर्चों का चार बन रहा है

हमें आठ से नौ महीने हो गए हैं जो हम परमानेंट आते हैं हम लोग काम करते हैं दस से पंद्रह बीस महिलाओं के बीच हम परमानेंट आते हैं छः से आठ घंटा हम डेली आते हैं और हमें इसमें जुड़ने से हम हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है हम खुद का जो भी हमें मतलब आमदनी होती है उससे हमें बेनिफिट हो रहा है किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती है आवश्यकता के अनुसार हमें मिल रहा है जितना भी हम करते हैं सभी महिलाएं है, हमको मिल जाता है हमारा जितना भी यहाँ बन रहा है सामान वो सारा हमारा सप्लाई हो जाता है क्योंकि हम मेलों में भी जाते हैं और ट्राइब्स इंडिया को भी जाता है हमारा माल और लोकल में भी हम लोग बेचते हैं इसको तो अच्छा लग रहा है हमको कि मतलब हम महिलाओं को रोज़गार मिला है तो अच्छा लग रहा है कि किसी दूसरे की दूसरे से ना मांग के हम खुद की मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं इस समय जो विकास हमारे विकासखंड से के अंदर लगभग 400 से ऊपर हमारे यहाँ समूह का गठन हो चुका है जिसमें हमारे लगभग पाँच सी एल भी बने हुए हैं और इन समूह से जितने भी समूह हमारे बने हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन के माध्यम से सभी लोगों को आर एफ फंड की भी धनराशि विकसित कर दी गई है उसके साथ साथ जो क्रियाकलाप की आप बात कर रहे हैं तो हमारे तमाम अलग अलग, अलग जगह पे बहुत सारे ऐसे जिया भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य कर रही है जिसमें से एक हमारे स्वाभिमान बंधन केंद्र है जिसमें लगभग तीन महिलाएं जुड़ी है और उनको प्रशिक्षण भी भारत सरकार के द्वारा जो फंड आया था प्रशिक्षण भी उन्हें दे दिया गया है और उसमें से पंद्रह से बीस रेगुलर महिला यहाँ पर कार्य भी कर रही है उसके अलावा जो अलग अलग, अलग जगह पे कहीं पर महिलाएं अचार बना रही है और मसाले का कार्य कर रही है कपड़े बना रही है और हमारे कुछ ऐसे हैं जो हथकरघा का भी कार्य कर रहे हैं अभी जो वर्तमान में अभी लक्ष्यार में हमारे यहाँ आर्ट सिटी के माध्यम से एक मशरूम की भी प्रशिक्षण चल रहा है और चार तारीख को हमारे विकासखंड के अंदर जो है अभी सी सी एल यानी कि लॉन कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है तो ये सभी कार्यकलाप हमारे खंड के अंदर अभी तक किए जा रहे हैं e भारत के लिए कालसी ब्लॉक से टीकम वर्मा की रिपोर्ट